दोस्तों वीडियो का जो थंबनेल है वो देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। पर दोस्तों एक चीज है कि बहुत सारा ऐसा दोस्तों के बीच में कहीं पे सुनने को मिल जाता है कि इसने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया, इसके मोबाइल पे मेरा व्हाट्सएप ओपन है, व्हाट्सएप को लेकर बहुत कुछ सुनने में आता है। पर दोस्तों एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, व्हाट्सएप हैक होता ही नहीं है। व्हाट्सएप का ही कुछ फीचर्स है जिसको हम डिफरेंट तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। पर व्हाट्सएप हैक का बहुत सारा वीडियो हमें यूट्यूब में देखने को मिलता है, पर एक्चुअल में कुछ भी काम नहीं करता। व्हाट्सएप का खुद का एक फीचर है जिसको हम डिफरेंट तरीके से एज ए हैकिंग के जरिए हैकिंग टाइप से यूज कर सकते हैं, पर वो हैक भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या फीचर्स है, क्या कुछ नहीं है, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टाइम ज्यादा खराब ना करके चलिए जल्दी से देख लेते हैं वीडियो को कि पूरा का पूरा फंडा क्या है। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस में आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूं। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था कि व्हाट्सएप को हैक करने का बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब में मिल जाता है, पर दोस्तों एक्चुअल में व्हाट्सएप हैक होता ही नहीं है। व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी फीचर्स है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। पूरा का पूरा मैसेज जो व्हाट्सएप से होता है, जो कुछ भी होता है, वो पूरा एनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड होता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप हैक होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। व्हाट्सएप हैक का जितना भी कुछ ऐसे वीडियोज आते रहते हैं कि इस वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपका नंबर डाल दीजिए तो व्हाट्सएप उस नंबर का जो व्हाट्सएप है वो हैक हो जाएगा, ये वो बहुत सारा वीडियोस आता रहता है। पर दोस्तों एक्चुअल में व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा कंपनी है और व्हाट्सएप का सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि कोई भी वेबसाइट फटाक से उसका नंबर डाल दिया किसी का और उसका व्हाट्सएप हैक हो गया, इतना इजी नहीं है दोस्तों। व्हाट्सएप के खुद का एक फीचर है व्हाट्सएप वेब बोल के, इस फीचर्स को हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसको आप हैकिंग अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं, पर एक्चुअल में ये हैकिंग होता नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों मेरे दोनों साइड पे आप दो मोबाइल देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो मोबाइल है, इस मोबाइल से मैं इस मोबाइल में मेरा जो व्हाट्सएप है इसको मैं हैक करने वाला हूं और इस मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन होने वाला है मेरे ये इस वाले मोबाइल पे। तो दोस्तों एक्चुअल में पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो इस वाले मोबाइल पे मेरा जो है, आप ये बड़े से मोबाइल पे पूरा जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं वो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नजर रखिए और मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते रहिए। तो दोस्तों मेरे मोबाइल पे ये मेरा व्हाट्सएप ओपन है, ये व्हाट्सएप बिजनेस को मैं ओपन करके रखा हूं। तो यहां पर हमें साइड में ये तीन डॉट्स देखने को मिल जाते हैं, तो तीन डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके यहां पे हम ओपन कर लेते हैं व्हाट्सएप वेब। जब हम व्हाट्सएप वेब ओपन करेंगे यहां पे आपको लिखा दिखाई देगा कि टू यूज व्हाट्सएप वेब गो टू web.whatsapp.com ऑन योर कंप्यूटर। मतलब कि ये बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर पे web.whatsapp.com ओपन कर लीजिए और उसके बाद जो है वो क्या प्रोसेस है वो वहां पे बता देगा आपको। तो यहां पे नीचे आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन करने का एक ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहां पे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों एक कैमरा ओपन हो जाता है जहां पे हमें एक क्यूआर कोड स्कैनर दिख जाता है दोस्तों। तो फिलहाल हम इस मोबाइल को छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे मोबाइल पे आते हैं दोस्तों। दूसरे मोबाइल पे क्या है दोस्तों, दूसरे मोबाइल पे हमें यहां पे अपना गूगल क्रोम वाला जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। और यहां पे गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों हमें यहां पे व्हाट्सएप वेब को ओपन कर लेना है, whatsapp.com को ओपन कर लेना बेसिकली, ठीक है। तो व्हाट्सएप का जो है वो क्रोम के स्क्रीन में, व्हाट्सएप का जो वेबसाइट है वो हमें दिख जाएगा। उसके बाद क्रोम के साइड में ये जो थ्री डॉट्स हमें दिख रहा है इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ये ओपन हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जो डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है नीचे वो हमें यहां से क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने ये वेब वाला व्हाट्सएप का पेज ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक क्यूआर कोड दिखने लगेगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है सिंपली दोस्तों, इस मोबाइल में हमने जो व्हाट्सएप वेब को ओपन किया था इस मोबाइल से हमें इस मोबाइल को स्कैन करना है दोस्तों। तो हम स्कैन कर लेते हैं। तो हम यहां पर इसको ऐसे बिठाते हैं
और ये दोस्तों स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी व्हाट्सएप का पूरा डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी है वो हमें इस मोबाइल पे दिखने लग गया। पर दोस्तों ये दो चीज आपको ख्याल में रखना है कि क्यूआर कोड को जब आप स्कैन कर रहे हैं व्हाट्सएप वेब में जाके, उसके नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें टिक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में जाके जब आप ये ओपन करेंगे तब ये ओपन नहीं होगा। और दोस्तों व्हाट्सएप वेब जब आपका ओपन हो जाता है दूसरे मोबाइल पे, मतलब कि हमारे हिसाब से अगर हम व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं तो आप इस व्हाट्सएप को तभी एक्सेस कर पाएंगे जिस मोबाइल से आप हैक किया है, जब वो ओरिजिनल वाले मोबाइल पे इंटरनेट ओपन होगा, इंटरनेट एक्सेस वो कर रहा होगा या इंटरनेट ओपन रहेगा उस मोबाइल पे, तभी आपके मोबाइल पे जो ब्राउजर पे गूगल क्रोम पे हमने व्हाट्सएप वेब को ओपन किया है वो काम करने लगेगा दोस्तों। नहीं तो अगर वो इस मोबाइल पे, मतलब कि जिस मोबाइल का व्हाट्सएप हमने हैक किया है, इस मोबाइल पे अगर इंटरनेट नहीं रहता है, इस मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है, तो इस मोबाइल पे व्हाट्सएप वेब ओपन नहीं होगा। मोबाइल कनेक्टेड रहना चाहिए दोस्तों इंटरनेट के साथ, तभी जाके जो हैक वाला व्हाट्सएप है वो काम करने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस है ये हम कहां पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, सोचिए हमारे घर के किसी मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप ओपन है और घर का जितना भी मम्मी पापा वो व्हाट्सएप ठीक से चला नहीं पाता, तो उसमें जो मैसेज वगैरह आते हैं वो हमें नजर रखना पड़ता है, तो उस मोबाइल का जो व्हाट्सएप है वो हम अपने मोबाइल पे ओपन करके रख सकते हैं, तो कहीं से भी अगर घर पे कोई मैसेज आता है वगैरह वगैरह तो हम बाहर से भी उसका एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे एक मोबाइल अगर टूट जाता है, वो रिपेयरिंग में जाता है, कुछ भी होता है, तो उस मोबाइल का जो व्हाट्सएप है वो भी हम यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं। ये सब जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कुछ भी है वो हम कर सकते हैं, पर दोस्तों इस प्रोसेस को गलत तरीके से यूज मत कीजिएगा, क्योंकि किसी का व्हाट्सएप ऐसे व्हाट्सएप वेब में ओपन कर लेना उसके परमिशन के बिना ये क्राइम होता है दोस्तों, तो इसको ऐसे मत कीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस मैं वीडियो का दिखाया व्हाट्सएप वेब वाला, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इस प्रोसेस पूरे प्रोसेस को लेके अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।